पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट काफी शेयर किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के हवाले से ये कथित ट्वीट दिखाया गया है। यूजर्स इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत को टैग कर रहे हैं। हालांकि एक्स पर सुप्रिया श्रीनेत के हवाले से ये ट्वीट ढूंढने पर हमें कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं अगर इस वायरल स्क्रीनशॉट पर गौर करें तो सभी वायरल स्क्रीनशॉट्स में दिखने वाले लाइक और रीट्वीट के नंबर समान हैं। अगर सुप्रिया श्रीनेत ने वाकई में ट्वीट किया होता तो अलग अलग लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते और इस हिसाब से इस ट्वीट के लाइक और शेयर के नंबर भी अलग अलग होते। यहाँ से हमें संदेह हुआ कि यह वायरल स्क्रीनशॉट एडिटेड हो सकता है। वायरल स्क्रीनशॉट में सोनिया गांधी की तस्वीर और ट्वीट के डेट के बीच में ये स्पेस है, लेकिन ट्वीट में डेट और तस्वीर के बीच में इतनी स्पेस नहीं होती है, यानी ये वायरल स्क्रीनशॉट फेक है। वहीं इस कथित ट्वीट में साल 2012 की डेट है। गौर करें कि उस वक्त सुप्रिया श्रीनेत ईटी नाउ की चीफ एडिटर थी और अगर उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट किया होता तो मीडिया में इसके बारे में रिपोर्ट जरूर होती। ऑल्ट न्यूज ने बाद में सुप्रिया श्रीनेत से बात की। उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस फैमिली से आती है और उनके पिता साल 2009 से 2014 तक कांग्रेस सांसद थे। वो पहले से ही सोनिया गांधी की प्रशंसक रही है। उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट से ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि ये फर्जी और एडिटेड ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करने वाले के खिलाफ वो लीगल कार्रवाई करेगी। यानी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के हवाले से शेयर किया जाने वाला ये कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट एडिटेड है।